एक शिकायत रहती है कि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी कम ले रहे हैं। एक तो बच्चों की फितरत है, खेलना ज्यादा है और पढ़ना कम है। अब तो निजाम तालीम भी ऐसा बना दिया गया कि खेल ही खेल में पढ़ा भी दिया जाए, अलग से बिठा के पढ़ाना मदरसा महसूस न हो, मदरसा तालीम के लिए महदूद ना हो, बल्कि खेल के मैदान को मदरसे में तब्दील कर दिया जाए कि इंसान अपने बच्चों के खेल खेल में ही कुछ ऐसी बातें सिखा दे कि उसके लिए बाइस हुसूल इल्म करार पाए। इसलिए रिवायत के जुमले तो नहीं, अलबत्ता उलमा का बयान है कि अगर इंसान सूरह मुबारक दहर को लिखे तीन बर्तनों पर, यानी कि ज़ाफ़रान से लिखे या खाक शिफा से लिखे, और उसके बाद बर्तन का पानी उसको धोकर एक में जमा कर ले और फिर उस पानी को 7 दिन तक बच्चे को पिलाए, तो खुदा उसकी बरकत से उसकी जो दिलचस्पी है पढ़ाई में उसकी तकवीत में इजाफा फरमा देता है। यानी जो पढ़ाई में कमजोरी हो रही थी, दिलचस्पी कम हो रही थी, अगर चाहते हैं कि सूरह दहर को इस तरह भी इस्तेमाल करें तो या इंसानियत कमजोर हो तो सूरह दहर पढ़िए, सूरह इंसान पढ़िए, या अगर इल्म से मोहब्बत कम हो रही हो तो सूरह इंसान लिख कर धो के पिला दीजिए। अरे अगर सूरह इंसान लिख कर धो के पिला दें तो इंसान ज्यादा माहिर साहिब इल्म हो जाए, तो क्या कहना उसका जिसके कल्ब पर सूरह दहर नाजिल हुआ। सूरह दहर के कुछ नाम भी हैं, सूरह दहर के अलावा सूरह इंसान भी कहते हैं, सूरह हल अता भी कहते हैं, सूरह हल अता के अलावा सूरह अल अबरार भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी सूरह मुबारक अल मिफ्ताह, अल मिफ्ताह कहिए, अबरार कहिए, हल अता कहिए, या कहिए सूरह दहर कहिए, सूरह इंसान कहिए।